फ्रेश न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार की सियासत की फिजाओं में अलग सी खुशबू नजर आ रही है। जिस तरीके से आपने देखा कि बिहार की सियासत में उठा पटक जो है लगातार देखने को मिल रही थी। महागठबंधन की सरकार में कहा जा रहा था कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, लेकिन फिर से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ आकर के ये संदेश जरूर दे दिया कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है। लेकिन अब एनडीए की भी चर्चा तेज हो गई है। बता दें कि काफी दिनों से बिहार की सियासत में ये चर्चा तेज है कि चिराग पासवान आखिर कब एनडीए का हिस्सा बनते हैं। अब इसी को लेकर के चिराग पासवान को एक बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा गया है, वो भी केंद्र की सरकार की तरफ से। और वहीं अब ये भी खबरें सामने आ रही है कि चिराग पासवान जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी हिस्सा बन सकते हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ हैं, इनसे चर्चा करते हैं। रितेश, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही थी कुछ दिनों पहले कि चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं, उनकी मांगे बहुत बड़ी है, डिमांड्स उनकी बहुत बड़ी है, लेकिन अब जो है अब एक बार फिर से जिस तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उनसे मुलाकात करने पहुंच रहे, इससे पहले भी जब वो पटना आए थे तो उनसे मुलाकात कर रहे थे वो, और अभी भी आपने देखा होगा कि तस्वीरें सुबह सुबह सामने आई कि देर रात उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे और डिमांड उनकी जो है उस पर बातचीत हो रही है कि किस तरीके से डिमांड पूरी की जा सकती है। तो अब उनको न्योता भी मिल गया है वहां पर जाने का, बैठक में शामिल होने का, चर्चा ये भी तेज है, मंत्रिमंडल में भी शामिल हो सकते, क्या कहेंगे आप? देखिए, चिराग पासवान की जो पार्टी है वो लोजपा जो है रामविलास पासवान की जो पार्टी है वो बहुत पहले से, जब चिराग पासवान के पिताजी थे रामविलास पासवान, तो वो जो है एनडीए के भागीदार बने थे हर सुख दुख में, हर जगह जो विकास के लिए जो अभी जो मीटिंग बुलाई गई है, ये सब चीजें जो है एनडीए की तरफ से, उसमें मुख्य रूप से चिराग पासवान को बुलाया गया है, तो कहीं ना कहीं उनके पिताजी का अहम योगदान रहा है जो नेशनल जो एनडीए जो है उसके लिए। तो अब बात यह है कि जो संदेश दिया गया है इसमें, एनडीए में जो कयास लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान शामिल होंगे, तो इससे यह स्पष्ट हो गया है, क्योंकि एनडीए का 25 साल पूरा हो रहा है, सिल्वर जुबली जो है वो मना रही है दिल्ली में, उसके लिए सबसे पहले 17 जुलाई को जो है वो लोग डिनर पे इनवाइट किया गया है इन पार्टियों को, जिसमें कि हम प्रमुख हैं, ये भी जाएंगे, जीतन राम मांझी, साथ में चिराग पासवान भी जा रहे हैं। तो ये चीजें बहुत ही साफ है बिहार की राजनीति में, जो कयासबाजी हो रही थी कि चिराग पासवान कब जाएंगे, तो ये सब चीजें हैं, एनडीए में जाना तय हो गया है इससे। अब रही बात कि एनडीए में मंत्रिमंडल को लेकर के चिराग पासवान पे ये भी कयासबाजी हो रही है, लोग ये जनता चाहती है, जो हाजीपुर की जनता है, क्योंकि हमारी टीम वहां भी जाकर के लोगों से बातचीत करती है, ग्राउंड रिपोर्ट करती है, तो चिराग पासवान जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल अभी ये बात साफ नहीं हुई है, लेकिन एनडीए में बुलाने का मतलब यही है, और डिनर पार्टी होगी 17 जुलाई को, तो ये खास बातचीत वहां पे, ये सब चीजें निकल करके आ सकती हैं वहां पे। जी ठीक है, ये तो हो गई चिराग पासवान की बात, चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो रहे हैं, संदेश दिया जा रहा है लगातार, और उन्हें मनाने की कवायद जो है वो बीजेपी की तरफ से लगातार जारी है, लेकिन जो उनका उनकी डिमांड्स है, चिराग पासवान की डिमांड्स की अगर बात करें, सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो डिमांड कर रहे हैं कि हाजीपुर की सीट जो है, क्योंकि उस पर दावा लगातार चिराग पासवान कर रहे हैं, उसके अलावा भी एक राज्यसभा सीट वो चाह रहे हैं, इसके अलावा यूपी में एक सीट चाह रहे हैं, 50 विधानसभा सीट की खबरें सामने आ रही कि उनकी डिमांड है। तो अगर जो है हाजीपुर सीट पर दावा करते हैं तो फिर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जो एनडीए का हिस्सा है उनका फिर क्या होगा? देखिए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति जो है सिंगल किसी भी पार्टी ने लीड नहीं किया है बिहार को अभी तक में, और नीतीश कुमार है, लालू यादव है, या फिर बीजेपी साथ में रहे हो, सिंगल पार्टी कभी भी लीड नहीं की है, और पूर्ण बहुमत जो है किसी को नहीं मिला है बिहार में। अब बात कर लेते हैं सीट की, तो पेंच यहीं पे आके फंसता है जब वो डिमांड करते हैं सीटों के लिए। रामविलास पासवान बहुत बड़ी उनकी पार्टी नहीं थी, अब तो खैर विभाजित हो गई है, तो पशुपति पारस जो है वो हाजीपुर से सांसद भी है और केंद्रीय मंत्री भी बने हुए हैं, तो केंद्र उनको तवज्जो दी। अब चिराग पासवान की बारी आती है तो वो उसमें जाएंगे, तो मंत्रालय तो उस पर हमने अभी बात की, मिलेगा नहीं मिलेगा हम लोग सब कुछ साफ करेंगे। सीट की जो मांग है अभी जो करंट सिचुएशन है कि जमुई से ये सांसद है चिराग पासवान,
अब इनको सीटें चाहिए, जिस तरीके से 6 सीटें हमेशा जो है मांग करते रहे रामविलास पार्टी जो थी शुरू से ही, तो चिराग पासवान की भी शायद यही मांग रहेगी। और 6 सीटों में जो अहम सीट है, जो कांटेदार जो टक्कर होगी, वो चीज है हाजीपुर का सीट है। अब वहां से पशुपति पारस इनके चाचा जी हैं, चाचा जी से इनकी बनती नहीं है, चाचा जी भाजपा में है तो एनडीए के वो सहयोगी है वो भी, और ये भी जा रहे हैं वहां पे, तो देखने वाली बात यही होगी दिलचस्प कि वहां पे कैसे जो है ये पेच जो है जो फंसता हुआ नजर आता है उसको कैसे जो है बीजेपी टैकल करती है। और जहां तक राजनीति की बात है तो राजनीति जो है अभी कुछ और दिखती है आपको, और बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है कि जहां की राजनीति जब करवट लेती है तो आपको उसका जो है आहट भी नहीं महसूस होगा, और रातों रात जो है यहाँ की राजनीति पलट जाती है, तख्ता पलट जाता है, कुर्सी पलट जाती है, ये चीज जनता यहाँ भलीभांति जानती है। और बाहर से जितने भी लोग यहाँ आते हैं तो बिहार का जो राजनीति है उसको उसके रुख को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो देखिये पशुपति पारस है, हो सकता है कि बीजेपी उस समय तक जो है कहते हैं कि राजनीति में लॉलीपॉप थमाया जाता है, तो जनता को जिस तरीके से लॉलीपॉप थमाया जाता है उसी तरीके से जो है जो जो नेता है उनको भी लॉलीपॉप थमाया जाता है। तो जाहिर सी बात है भाजपा मतलब एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और रामविलास की पार्टी भले केंद्र में रही हो लेकिन सीटें उसके पास बहुत ज्यादा कम होती है, लेकिन योगदान जो है जैसे कहा जाता था कि रामविलास पासवान के पास जो है ताला तो है यहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बाद, लेकिन चाबी जो है हमेशा से रामविलास पासवान के पास ही रहती थी, तो चाबी वही लगाते थे तो ताला खुलता था। अब देखना यही है कि ये सीट की मांग कर रहे हैं लेकिन भाजपा इसको भांपेगी कि क्या ये भी चाबी बन सकते हैं रामविलास पासवान की तरह, क्या भुनाती है ना राजनीति में, तो यही चीज होता है कि नेता को लाइए और वहां का सीट उनको चाहिए। तो देखेंगे कि किसके पाले में जो है वो सीट जा रही है, पशुपति पारस वहां रहेंगे या फिर चिराग रहेंगे, उस हिसाब से सीटों का लास्ट में भी फाइनल किया जा सकता है। फिलहाल लॉलीपॉप से काम चलाया जाएगा। लेकिन नीतीश क्या चाचा तैयार होंगे भतीजे की? तो देखिए तैयारी न तैयारी, देखिए चाचा अगर लड़ेंगे, अगर भाजपा निकाल देगी तो अपना अपने पार्टी से लड़ेंगे, अब जनता वहां तय करेगी ना, तो हमारी टीम भी बराबर वहां जाती है, देखती है और कोशिश करेंगे, आपको बहुत कुछ वहां भी दिखाएंगे वहां का ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन जो है वही चीज है ना कि अगर भाजपा से अगर उसको निकाल दिया जाए, निष्कासित कर दिया जाए, देखिए रामविलास पासवान पहले एनडीए में थे, ठीक है, चिराग भी बहुत ज्यादा साथ दे रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ जब पार्टी विभाजित हो गई एकदम रातों रात ये सब खेल हो जाता है, और चाचा को ले लिया अंदर भाजपा ने, तो क्या चिराग को भी ले सकते हैं, उसको आउट कर सकते हैं? देखिए पार्टी जो है उसको अपना प्रॉफिट देखना है ना, अगर उसको सीट वहां से न मिला तो फिर क्या फायदा जी? हाजीपुर में अब भाजपा का कोई अगर प्रबल दावेदार रहता तो इन लोगों की जरूरत ही नहीं होती है ना, अपना पार्टी वो खड़ा करते, लेकिन चलिए गठबंधन में रखना है एनडीए में, तो चिराग पासवान जो है उनको शामिल किया जा रहा है। अब सीट पे तो देखिए आगे क्या बातचीत होती है। अच्छा मंत्रालय मिलने की भी चर्चा हो रही है, लगातार चर्चा ये हो रही है कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, क्या लगता है कि कौन सा मंत्रालय जो है वो चिराग पासवान को बीजेपी दे सकती है? देखिए चिराग पासवान जो है कोई अभी बच्चे नहीं रह गए हैं, ठीक है, रामविलास पासवान जिस तरीके से मंझे हुए थे उनके साथ ये रह कर भी ये भी मंझ चुके हैं, और इनकी डिमांड भी ज्यादा है, जहां तक जमुई के लोग हैं इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और खास कर क्या है कि युवा बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और जो ये चिराग पासवान है ये भी एक युवा चेहरा ही है, तो इनको एक सीएम फेस के तौर पर भी जनता देखना चाहती है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव को लोग पसंद करते हैं उस तरीके से बिहार की कुछ जो है परसेंटेज जो है जनता वो इसको इनको भी सीएम के पद पे देखना चाहती है, तो ये सब चीजें हैं यहाँ जी। तो चाचा एक मियाद में दो तलवार कैसे काम करेगी, चाचा और भतीजे कैसे मानेंगे, क्योंकि बात तो फिर वही हो जाएगी कि अगर एनडीए में डिमांड्स पूरी की जाती है बीजेपी की तरफ से तो चाचा को भी मानना पड़ेगा, भतीजे को भी मानना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो उन लोगों को नेगोशिएट करना पड़ेगा, तो आखिर कैसे होगा ये? देखिए चाचा भतीजे का जो बात है तो भाई देखिए पहले से दोनों में अनबन तो चल ही रही है, हो सकता है कि भाजपा जो है सलाह मशवरा करा के और चाचा और भतीजा में सुलह करा दे, कुछ सीटों को ये भी कर सकती है हेर फेर करते हुए चाचा जी को जो है किसी और सीट पर भी विदा कर सकते हैं कि भाई वहां से आप देखिए वहां जाइए, तो ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो उसको आउट भी कर सकती है पशुपति पारस को। लेकिन दोनों तो एक दूसरे के कट्टर विरोधी है। देखिए अब जब सलाह मशवरा किया जाता है तो एक ही मतलब परिवार से लोग, तो ऐसा भी हो सकता है, बताया ना कि राजनीति जो है बिहार में कब करवट लेगी कोई नहीं जानता है,
अब देखिए कि हमारे नीतीश कुमार जी मुखिया है बिहार के, अब क्या है कि वो कभी भाजपा के साथ जाते हैं, अभी भी कयासबाजी लग रही थी कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने संदेश दिया जी। साथ में गाड़ी में बैठ करके विधानसभा आए हैं, तेज प्रताप भी रहे जी। वन विभाग का कार्यक्रम था उसमें भी गए सब लोग साथ, एक तरह से संदेश वो लोग दे रहे कि हम लोग जो है अलग नहीं है। लेकिन क्या ऐसा है, भरोसा करने लायक है क्या? कभी भी राजनीति बदल सकती है और जो ये नीतीश कुमार है वो भाजपा में भी जा सकते हैं, अभी भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, हो भी सकता है क्योंकि उनकी तस्वीरें और दिखाया जाता है कि अमित शाह से मिलते हैं, दिल्ली भी गए इस बार तो सबसे मिलते हैं, वो सबसे सलाह लेते हैं कि क्या सही रहेगा क्या नहीं। तो ये सब कयासबाजियां चलती रहती है, राजनीतिक जिनके जितने भी जानकार है बिहार के वो सब ये सब चीजों पर चर्चा करते हैं, बताते हैं और ये सब चीजें साफ है यहाँ पे। तो देखिए चर्चा कर रहे थे हमारे सहयोगी नितेश से, जिस तरीके से चिराग पासवान को आज ही न्योता मिला है जेपी नड्डा की तरफ से, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चाएं आ रही है वो भी चर्चा काफी ज्यादा तेज हो गई है, और इसको लेकर के अब कहा जा रहा है कि जल्द ही एनडीए का हिस्सा होने का ऐलान जो है वो चिराग पासवान कर सकते हैं, मंत्रिमंडल में भी शामिल होने की जो चर्चा तेज है उस पर भी बात कर सकते हैं चिराग पासवान। तो डिमांड जो चिराग पासवान की थी क्या बीजेपी उसे मान चुकी है? क्योंकि लगातार जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो है उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।